नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल अर्पित मैथ क्लास में दोस्तों आज के जावा के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर क्या होता है और किस तरह से कितने टाइप के नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर होते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टैटिक इनिशियलाइजर क्या होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखता हूँ। अगर आपको स्टैटिक इनिशियलाइजर के बारे में जानना है तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर मेरा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ स्टैटिक इनिशियलाइजर क्या होता है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों स्टैटिक इनिशियलाइजर क्या होता है, अगर मैं इस प्रीफिक्स में दोस्तों का स्टैटिक लगा हो एंड डेटा टाइप अगर मेरा इंट हो एंड वेरिएबल नेम दोस्तों क्या है, ए इक्वल टू 10। तो दोस्तों इसको मैं क्या बोलूँगा, सिंगल लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर। क्या बोलूँगा दोस्तों, सिंगल लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर। स्टैटिक इनिशियलाइजर तो दोस्तों क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा सिंगल लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर। इसको क्या मैं बोलता हूँ, स्टैटिक मेंबर है दोस्तों। ये क्या है, ये मेरा डेटा टाइप है स्टैटिक इंट टाइप का एंड ए वेरिएबल नेम है, अरे वैल्यू है दोस्तों। तो इसको मैं स्टैटिक टाइप अगर दोस्तों मुझे मल्टी टू टाइप के स्टैटिक जो होते हैं टू टाइप होते हैं, सिंगल स्टैटिक इनिशियलाइजर टू टाइप होते हैं दोस्तों, एक सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। तो दोस्तों क्या है, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर बनाने के लिए दोस्तों क्या करें, स्टैटिक स्टैटिक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो दोस्तों इसको मैं क्या बोलता हूँ, मल्टी लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर। ये क्या है, मल्टी मल्टी लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर। तो इसको क्या बोलूँगा दोस्तों, मल्टी लाइन। यहाँ पे क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट हो स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है। है स्टैटिक मल्टी लाइन इनिशियलाइजर और एक स्टैटिक सिंगल लाइन इनिशियलाइजर। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर क्या होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको स्टैटिक इनिशियलाइजर क्या होता है और कितने टाइप होते हैं आपको समझ। अब दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर। नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर विल एग्जीक्यूट ड्यूरिंग एट लोडिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर विल एग्जीक्यूट वंस फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास क्रिएटेड। तो दोस्तों आपका आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, इसको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों अभी आपको मैं। तो दोस्तों क्या है, पर्पज ऑफ नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर। तो दोस्तों क्या है, नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर। दोस्तों कितने टाइप होते हैं दोस्तों, सिंगल लाइन नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर एंड मल्टी लाइन नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर। दोस्तों आपको अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो स्टैटिक इनिशियलाइजर कितने टाइप होते हैं दोस्तों, वो भी टू टाइप होते हैं, फर्स्ट सिंगल लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर एंड मल्टी लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर। और नॉन स्टैटिक तो सिंगल लाइन नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर एंड मल्टी लाइन नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं, मैं आपको दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा सिंगल लाइन नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर क्या होता है दोस्तों। सेंटेक्स टू क्रिएट सिंगल लाइन नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू है सेमी कॉलन। तो दोस्तों क्या है, और मल्टी लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर का सिंटैक्स टू क्रिएट मल्टी लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर। तो क्या हो दोस्तों, वहाँ पे नॉन स्टैटिक जब होते यहाँ पे तो दोस्तों केवल कर्ली ब्रेकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेकेट क्लोज एंड इनसाइड द इंस्ट्रक्शन ब्लॉक के। तो दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ किस तरह से स्टैटिक। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी मैं नॉन स्टैटिक मेथड बनाता हूँ तो दोस्तों क्लास के अंदर ही होता है, सॉरी दोस्तों क्लास
क्लास। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टैटिक नॉन स्टैटिक लिखूँगा। अगर स्टैटिक दोस्तों कीवर्ड लिखता हूँ, प्रीफिक्स में स्टैटिक लिखता हूँ, तो मेरा स्टैटिक इनिशियलाइजर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू दोस्तों मैं लिखता हूँ 10, तो दोस्तों ये मेरा क्या है, ए नॉन स्टैटिक कीवर्ड। क्या दोस्तों, ए नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर है, नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर। तो क्या दोस्तों, ये नॉन स्टैटिक। इसके लिए दोस्तों क्या होगा, क्लास के अंदर लिखा जाएगा दोस्तों, किसी मेथड के अंदर नहीं लिखा जाएगा। अगर किसी मेथड के अंदर लिखूंगा दोस्तों तो वो लोकल वेरिएबल हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ये, क्या है, नॉन इन टाइप का नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। अगर इसे मैं किसी मेथड के अंदर लिखूंगा तो दोस्तों क्या होगा, मेरा ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा, ये मेरा लोकल वेरिएबल हो। नहीं, अगर मैं क्लास ब्लॉक के अंदर लिखूंगा तो इसका क्या नाम होगा दोस्तों, यह नॉन स्टैटिक सिंगल लाइन इनिशियलाइज। इसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, नॉन स्टैटिक सिंगल लाइन, नॉन स्टैटिक सिंगल लाइन इनिशियलाइजर। और दोस्तों मल्टी लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर क्या होता है, तो दोस्तों क्या करूंगा यहाँ पे, कर्ली ब्रेकर स्टार्ट क्लोज। अब इसमें मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन कुछ भी मैं हाई प्रिंट कराता हूँ दोस्तों का, तो दोस्तों क्या है, ये नॉन स्टैटिक मल्टी लाइन इनिशियलाइजर। बट दोस्तों स्टैटिक होता तो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड डाला जाता, बट इसमें नहीं डालना होता। तो आशा करते हैं आपको स्टैटिक सिंगल लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर क्या होता है और मल्टी लाइन स्टैटिक इनिशियलाइजर क्या होता है आपको समझ आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में दिस कीवर्ड क्या दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।